हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा चैनल ब्लॉग टेक में एक बार फिर से। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस के चार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है पहला NSC नेशनल स्कीम सर्टिफिकेट, ये आपको 5 साल के लिए होता है। दूसरा है KVP किसान विकास पत्र, ये 6.9% ब्याज दर देता है, ये 10 सालों के लिए होता है। तीसरा है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये 7.4% से ब्याज दर देता है, ये भी 5 साल के लिए होता है और 60+ एज के लिए होता है। और उसके बाद है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये इसमें ब्याज दर है 7.1% में, ये 15 सालों के लिए होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं चार स्कीम के बारे में। पहला दोस्तों NSC में 6.9% ब्याज दर देता है, ये केवल 5 सालों के लिए होता है, जिसमें आपको वो 1.5 गुना अमाउंट करके देता है। जैसे अगर आप 10 लाख लगाते हैं तो 10.5 लाख मिलेंगे। और ये इसका क्या होता है कि आप इसको 3 साल में आप तोड़वा सकते हैं, किसी कारण पर सर आप जब आप उसको नहीं रख सकते, नहीं वो फंड कर सकते हैं, तो आप उसको ले सकते हो वापस और 3 साल का ब्याज भी आपको मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा है KVP किसान विकास पत्र, ये 6.9% से ब्याज दर देता है, ये 10 सालों के लिए होता है। 10 साल में दोस्तों आपको ये क्या करता है कि आपको जितने भी अमाउंट हो उसको डबल करके देता है। 10 लाख लगाया तो 20 लाख, 8 लाख लगाया 16 लाख, ऐसे करके देता है, ये 10 सालों के लिए होता है। इसमें भी सेम कंडीशन वही है कि अगर आप तुलवाना चाहते हैं तो 3 साल में उसको तुलवा सकते हैं, ठीक है। एक और स्कीम आगे है SCSS सीनियर सिटीजन स्कीम, ये दोस्तों क्या होता है कि ये 7.4% से इंटरेस्ट देता है और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मैक्सिमम 15 लाख तक ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी इसमें भी 5 साल के लिए होता है। ये रहा हमारा तीसरा स्कीम। और चौथा स्कीम ये है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 7.1% से ब्याज दर मिलता है। इसमें आप तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसमें आप मैक्सिमम 500 से जमा कर सकते हैं, 500 से खाता भी खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें वो इंटरेस्ट रेट 7.1% से मिलता है। और बस यही है, लेकिन आपको इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। और अधिक जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।